व्हाट्सअप गाइस, आज की जो खबर है वो है पीओके से। तो गिलजित बलिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान आर्मी की उड़ाई धज्जियां, इंडिया से की अपील। तो क्या अपील करी वो भी देखते हैं। और पाकिस्तान आर्मी की धज्जियां उड़ा दी भाई, ये सही है। सही है। और बोलो ऐसे, क्योंकि हाँ ये वो एरिया है गिलजित हाँ बल्तिस्तान जो पीओके में है ना, वहां पर हाँ वो लोग गवर्न करते हैं अभी। तो देखते हैं क्या है पूरी खबर। भारत तक न्यूज चैनल से है और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। साम्राज्य की ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है जहाँ पे साम्राज्य की फौजियां फौज आई है। जमीनें हमारी और साम्राज्य की फौजियां के एफसीआई के खैबर पख्तूनख्वा की एफसीआई के पंजाब रेंजर आके यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। सही बैंड बजाए इनकी। तो सुना ना आपने, क्या कह रहा ये शख्स? ये कह रहा पीओके पाकिस्तान की बाप की जमीन जमीन नहीं, नहीं है। ये बता रहा भारत से इन्हें कोई आपत्ति नहीं, भारत पीओके की लोगों की मदद करता है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना जुल्म करती है। दरअसल सोशल कह मीडिया दिया ना पर उन्होंने। इस वक्त एक नहीं बल्कि दो दो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जो पाकिस्तान की हर हरकत की पोल खोल रहा। ओ और भाई, जो कहते हैं पाकिस्तान की सेना पीओके पर जुल्म नहीं करती, उनकी आंखें भी खुल जाएंगी। ये वीडियो नेशनल इक्वेलिटी पार्टी JKGPL के चेयरमैन प्रोफेसर सज्जाद राजा ने ट्वीट किया। तो चलिए देखिए इस वायरल वीडियो को और पाकिस्तानी सेना के जुल्मों को। साम्राज्य की ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है जहाँ पे साम्राज्य की फौजियां फौज आई है। जमीनें हमारी और साम्राज्य की फौजियां के खैबर पख्तूनख्वा की एफसीआई के पंजाब रेंजर आके यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया, हमारी इंडिया की फौज से कोई जंग न पहले थी न आज है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान यहाँ मौजूद है हमारी इंडिया के साथ जंग नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया को मायदे खिताब बुलाया था, हमने इंडिया को दावा की थी मदद के लिए आया था। अगर इंडिया ना आता तो क्या है? वो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में बड़ी संख्या में लोगों को पाकिस्तानी सेना के काफिले के आगे चिल्लाते देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारियों से कई लोग सड़क पर खड़े ट्रैक्टर को रोके हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान इन प्रदर्शनकारियों को रोकते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी के सामने चिल्ला रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर नहीं, ये अफगानिस्तान नहीं, जमीनें हमारी। और पाकिस्तानी सेना के खैबर पख्तूनख्वा के फ्रंटियर कॉप्स आकर, पंजाब रेंजर आकर यहाँ हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए ये वीडियो। साम्राज्य की ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है जहाँ पे साम्राज्य की फौजियां फौज आई है। जमीनें हमारी और साम्राज्य की फौजियां के पंजाब रेंजर आके यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। अपने रूल से जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। ट्वीट भी कर रहे हैं नेशनल इक्वेलिटी पार्टी JKGBL के चेयरमैन प्रोफेसर सज्जाद राजा ने इस घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में जबरन जमीनों पर कब्जा कर रही। 1947 से हम पाकिस्तान के हाथों पीड़ित हैं। भारत को 1947 में अपनी जमीन को मुक्त कराने और अपने लोगों को बचाने के लिए जम्मू और कश्मीर में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसने हमारी मदद के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने ट्वीट में भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग भी किया। खैर, आप भी ये वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना किस तरह से पीओके के लोगों पर जुल्म करती है। लेकिन देखना यह है कि पीएम मोदी और भारतीय सेना कब पीओके के लोगों को इस जुल्म से आजादी दिलाएंगे। होगा होगा, इलाज होगा, रिपोर्ट भारत तक। बिल्कुल, ये वाली बात तो है। होगा जो होगा, अब की बार ना पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा, क्योंकि वो नहीं कर सकता ना कि आज जाओ थोड़ी सी वो करके सिचुएशन और फिर वापस। बात पहुंच गई वहां तक तो कुछ ना कुछ तो होगा। ये चीज तो होगी, लेकिन अब की बार तो पीओके तो देखो लेना है वापस, ये चीज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, और लोगों ने स्टैंड लेना भी शुरू करा। ये चीज अच्छी लगती है, स्टैंड तो अभी लेते हो लेकिन बातें पहुंचती नहीं होगी। ये वाली पहुंची है तो
बाकी लोगों तक भी ये पहुंचे कि जुल्म हो रहा है उनकी जमीन, जो वो लोग हैं चाहते आम हैं नागरिक इंडिया का हैं। पार्ट ही रहना चाहते हैं वो खुद। हाँ, और ये पाकिस्तान जैसे ही दिखा ना कैमरा तो उनमें से कोई बोला नहीं। हाँ, हाँ, पीछे हट गए एकदम से। हाँ, और उन्होंने बोलते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जब से आई वो जुल्म ही करती है वहां पर, जैसे जमीन ले लेना उनकी या फिर अपने हिसाब से ट्रीट करना, इल ट्रीट करना सबसे बड़ी बात तो ये है। और पीओके में अगर सच्चाई में पूछा जाए ना तो लोग भी वहाँ एक तो इस चीज का शिकार है कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं होता नहीं बिल्कुल होता, भी। हमने एक वीडियो और देखी जिसमें बताया था कि कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं है, बस स्टैंड पुराने पड़े हैं बिल्कुल हर एक चीज। तो ये चीज डेवलपमेंट भैया तभी हो सकता है जब आपकी गवर्नमेंट आपका साथ दे, और गवर्नमेंट वहाँ जो रूल कर रहे हैं भैया वो तो उनको कोई मतलब नहीं है। वहाँ सियासी खेलते हैं, अपने पॉलिटिक्स खेलते हैं वो, और बस वो इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश। पाकिस्तान के अंदर खुद के वहाँ कितना ज्यादा वो रखा है मिलेगा बिल्कुल। इनका पीओके में जो है ना वो वहाँ के लोग, उनका इलाज तो होगा पूरा एक ही बार में होगा, मुझे पक्का भरोसा है। और मोदी जी बोल के नहीं बताते, करके बताते हैं, ये चीज़ तो आप भी मानते होंगे। अपना पॉइंट भी शेयर करना भूल, जितना हो सके शेयर कर दे, वीडियो कर दे, लाइक। बाय, टेक केयर।